दोस्तों देख लो ये हाल है, लोडिंग करके ले आना पड़ता है वो सामान अपना। ये रख दूँ सामान, ये गाड़ी ऑटो से जा रही है। चलो भूख लग रही, प्यास लग रही, वो हाथ में लग गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 9, चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है एंड गीत की तबीयत बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, बट फीवर नहीं आ रहा है, रिकरेंट फीवर नहीं आया है कल से, पर जो काफ़ी खांसी की प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू है क्योंकि वो इन्फेक्शन है, तो जब तक वो ठीक नहीं होगा तबीयत वैसी ही रहेगी और मालवीय जी की भी थोड़ी कम ज़्यादा चली रही है। तो आज लेकिन जिंदगी है, हमें पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना चाहिए। सुबह सुबह सिलेंडर वाले भैया सिलेंडर दे गए, अंदर रखना है अभी। मान लीजिए अभी पेपर पढ़ रहे थे तो एक बहुत अजीबोगरीब या अच्छी सी खबर है, आपने अगर नहीं पढ़ी हो जो इंदौर के बाहर हो तो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। फ्रेंड्स क्या हुआ था, बेतवा नदी में ये महिला, ये 26 साल की लड़की है, अपने भाई के साथ रक्षाबंधन बना के आ रही थी, रास्ते में बहुत तेज बारिश हुई और ये बह गई, भाई तो तैर कर जैसे तैसे बच गया। और उसके बाद तो फ्रेंड्स वो बंदी 5 घंटे तक ये सरिये पकड़कर बैठी रही कि कोई उसे बचाने आएगा, घर वालों ने आसपास ढूंढ के बंद कर दिया कि शायद बह गई, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर वहीं के एक अंकल थे विश्वकर्मा अंकल, वो लेवल चेक करने गए थे बेतवा पुल का जो पानी का लेवल है, तो उन्हें उस बंदी के लड़की की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने जाके बुलाया, तब NDRF की टीम वहां पहुंची और उन्होंने लड़की को लाइफ जैकेट दिया और फिर नाव में बिठाया। उसके साथ 5 कर्मचारी थे, पर किस्मत ऐसी उस बंदी की कि वो नाव भी पलट गई, 5ों जो बचाने वाले थे वो तो बह नहीं, उन्हें तैरना आता था वो बच गए, वो लड़की लकड़ी पकड़ी हुई थी और वो बह गई, कितना आप सोच सकते, 20 किलोमीटर तक बहकर वो चली गई, लोगों ने रात भर ढूंढा वो नहीं मिली। मतलब आप कुछ भी कर लो, इतना बचाने की कोशिश की, होना वही है जो भगवान ने लिख रखा है, मतलब होगा वही, आप टेंशन ले लो कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है। फिर वो कहीं जाके किसी गांव के पेड़ से टकराई है 20 किलोमीटर बाद और उस पेड़ को पकड़ कर वो रात भर रही है 10 घंटे 12 घंटे, लोगों ने ढूंढा नहीं मिली। उसी गांव के लोगों ने जब उसे पेड़ पर देखा तो सुबह 7-8 बजे करीब उसे बचाया। तो ऐसा है फ्रेंड्स, हम कितनी भी टेंशन ले ले या घर वालों ने सोच लिया वो चली गई, अगर भगवान को बचाना है तो आप बचोगे, नहीं तो मतलब जो होना है वो तो होना ही है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होना। पर ये है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब उसे लकड़ी मिली तो उसे छोड़ दिया भगवान बचा लेंगे, ऐसा नहीं, लकड़ी पकड़ना था, पेड़ पकड़ना था, सरिये पकड़ के वो बैठी रही और फाइनली वो बच के बाहर आ गई है, ये गांव वाले उन्होंने बचाया है। तो हमेशा लाइफ में जिंदगी में उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। दोस्तों ये लड़की जिसकी तबीयत अभी भी खराब है मगर पता नहीं कहाँ से आज ब्यूटी क्वीन बन के आई है। ओ मैडम, ए मैडम, वेयर आर यू गोइंग मैडम? मैडम अब इसको नजर नहीं लगे तो क्या हो बताओ जरा, पापा पे भी जो गई है, पापा भी जाने वाले, ये लो काला टीका भी आ रहा है, काला टीका बोल लो, या जो खेतों में खड़े होते थे ना, क्या नाम है उनको, जो पक्षियों को गऊ को पकाते थे, उनको क्या बोलते थे, काक भगोड़ा, काक भगोड़ा, गजब बेइज्जती है ऐसे। दोस्तों आज खाना बना रहा हूँ मैं, ये है धनिया, आप लोगों को नहीं पता हो तो गाजर, और ये बेटा तैयार है, उसको छीलते हैं। दोस्तों देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यार, तो मैं अक्सर ऐसा करता रहता हूँ, तो हम बनाते हैं आज का लंच और मिलते हैं आपसे, नया भी होगा, अभी सब सभी से कम कम ही डालते हैं। अच्छा बारीक बारीक क्या खा रहे हो जानू? रचना मैं बना के ही मैं खा रहा हूँ, ऐसा नहीं तो किचन में क्या बन रहा है वो आखिरी दोस्तों इधर पास में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ दिखाऊं किचन। दोस्तों इसने क्या चीटिंग करी है कि ये बना रहे, दो मेरी बात तो बोल लेने दो पहले, मुझे मैं नहाने गया, पीठ पीछे इसने सब बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्या करूँ मैं, अच्छा अच्छा मैं पूरी तैयारी करके गया, आपने देखा वीडियो में, झूठ नहीं, मैंने आपके सामने गाजर काटी और कोथिंबीर आपकी धनिया काटी, बेटा बनाया,
कितना झूठ बोल रहा है. मैंने इनसे कहा था गाजर किस दो, क्योंकि घी के डोसा या कुछ भी मैं बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ. तो बस मैं नहाने गई थी तब बोला था. फ्रेंड देखिए गीत ने और हमने तिरंगा लहरा लिया है अपने घर में. 13 से 15 जो हर घर तिरंगा. चले अपन नीचे उतरो, हाथ में टूट जाएंगे अगर कांच टूट गया तो. दोस्तों देखो मैं ऐसे ही करती है. मैं बेचारा मैंने चलो नहा के बनाऊंगा और देखो तो आ जाओ टेस्टी टेस्टी डोसे. इसमें धनिया है और गाजर है. आधा घंटा दोस्तों कुछ सब्जी सब्जी और महाराष्ट्रीय भाषा में कहें तो भाजी तरकारी तरकारी तो कहीं और कहते होंगे लोगों ने. की कहाँ गई की की. चलो तो लेकर आते हैं कुछ गीत के लिए. कुछ मेडिसिन चाहिए बढ़िए कि रात को क्योंकि खांसी ना चले उसको. दोस्तों बाइक की चाबी गुम गई. रचना ने 5-6 चीज़ें बोली थी लेने को और एक भी नहीं, मतलब सामान तो मिल गया मगर वो जगह जगह जाने में प्याज आलू प्याज लेने में वो चाबी गुम गई. अब जितनी दुकान में गए सब पे गए, वहाँ कहीं पे नहीं है. ऐसा होता नहीं मेरे साथ. दोस्तों आधा घंटे हो गए ढूंढते हुए. हेलो भाई साहब. हाँ जी. दोस्तों एक घंटा हो गया. एक मुझे चाबी ज़रूर मिली मगर दूसरे की मिली तो उसको वो दे दी. मतलब ढूंढने का फ़ायदा ये हुआ कि किसी और की मिल गई तो चाबी गुम गई है और कोई नया चाबी बनाने वाला मिलेगा नहीं. रात के 9 बज रहे हैं तो मैंने टो करने की बात की. एक टेम्पो वाला मिल जाए तो उससे टेम्पो करा के ले जाते हैं. और गीत की दवाई भी लेके जानी है. लेट हो रहा है यार, भूख लग रही है. ली थी आलू वाले के पास, आलू लिया था बस. पता नहीं कहाँ रह गए. चलो तो ऑटो वालों को बुलाया है, वो लोडिंग ऑटो वालों को जो गाड़ी उठा के लेके जाएगा घर तक. क्योंकि यहाँ कहाँ छोड़ें, यहाँ छोड़ना सेफ नहीं है. कोई आसपास पहचान का नहीं जिसको कि मैं यहाँ गाड़ी रख के जाऊँ. और गाड़ी लॉक है, कैसे रख के जाऊँगा. बड़ा मुश्किल होगा अगर होगा भी तो आसपास. ले चलते हैं फिर आराम से बनवा लेंगे. गाड़ी आ गई इसमें लेके जाते. दोस्तों देख लो ये हाल है, लोडिंग करके ले आना पड़ता है. और सामान अपना ये रख दूँ सामान. क्या नाम है आपका? बबलू. बबलू भाई के साथ हम राइड करेंगे आज. गाड़ी पीछे तो ये है बबलू भैया. हमारी बहुत मेहनत मदद कर दी उन्होंने, आज गाड़ी उतारनी पड़ी थी. तो बबलू भाई को थैंक यू सो मच, आती रात को भी फ़ोन करने पे आ गए और मदद करी, यहाँ तक पहुँचा है, बड़ी बात है. थैंक यू बबलू भाई. उम्मीद है हम मिलें ज़रूर मगर कुछ बड़ी सामान लेकर आए, गाड़ी नहीं लेकर आए कहीं से. चलो सब्जी तो ले लें तो ये भूल जाएँ. चलो एक्चुअली में 2 चाबी हैं उसके अंदर. अब आप बोलोगे एक तो पेट्रोल की टैंक की चाबी थी, एक गाड़ी इंजन अनलॉक स्टैंड उसकी थी. रचना हो रही होगी परेशान, परेशान हो रही होगी ना क्योंकि बहुत देर हो गए. मैंने हालांकि इन्फॉर्म कर दिया तो उसको पूरे बाजार में यार मैं बहुत घूमा हूँ यार, मैं इतना परेशान बहुत दिनों बाद हुआ हूँ. बचपन में तो बहुत हुए थे, बहुत दिनों बाद परेशान हुआ. मुझे लगता है कोई गिरह ख़राब चल रहा है कोई किसी की अंतरदशा महादशा अत्यंतर खराब चल रही. तो चलो ऊपर चल के बात करते हैं, मुझे बहुत तेज भूख और प्यास लग रही है. मुझे लगा तू डांटेगी. डांटूंगी क्यों, परेशान हो गया. नहीं डांटेगी, है दो गई कि चाबी घुमा दी, तुम ध्यान रखना चाहिए. चाबी घूम गई मैटर नहीं, आप कितना परेशान हुए. अरे बाप रे. हाँ परेशान तो हो गया, क्या कर रहे हैं. गाड़ी कैसे छोड़ के आ सकते थे ना, बीच बाजार है. ऑप्शन तो यही था कि किसी को उठा के लाते. ऑप्शन तो यही था, वो भी अपने हमारी सब्सक्राइबर जो नितिन शुक्ला है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे दोस्त हमारे सब्सक्राइबर होते हैं. देखा, थैंक यू सो मच. तो उन्होंने उन्होंने हमारा नाम जरूर क्रेजी इंदौरी कपल है लेकिन इंदौर में हम बहुत ज्यादा किसी को जानते नहीं.
तो उन्होंने भेजा कि मैं उनके फ्रेंड उनके काम आते रहते होंगे भगवान जाने, अपने तो काम कभी नहीं आए, तो बबलू जी को भेजा, बबलू जी आए और मैं जब तक ढूंढता रहा आधा एक घंटा हो गया। उस बीच में रचना किसी और की चाबी मिल गई, वो चाबी बेचारे को उसको दे दी मैंने क्योंकि ढूंढ रहा था तो उसके हाथ में आ गई। वो भी ढूंढ रहा था क्या? उसकी खुद की गिरी थी ना वो, नहीं तो वो ढूंढ रहा था क्या? ढूंढ रहा होगा भगवान जाने, फिकर ही नहीं थी कि चाबी, उसको फिकर नहीं थी उसको, जिसके मैंने जिसकी दुकान के सामने से मिली भाई ये मेरी तो नहीं है मगर मैं फिर भी रख लेता हूँ, हो सकता है मेरी गाड़ी में लगे, ऐसा होता नहीं है। वायर वायर करके लगाते ना, ये सब फिल्मों में ही होता है, होता है रियल में फ्रेंड्स, होता है ऐसा रियल में, कोई मैकेनिक या कोई होता है ना वायर वो करो तो पहले अनलॉक करनी पड़ती है ना, ऑन करने की बात थोड़ी हो जाती है। यूट्यूब पे एक वीडियो भी देख डाला मैंने, औरतों का दिमाग अच्छा चलता है। चलो भूख लग रही, प्यास लग रही, हाथ में लग गई, लग गई चढ़ाई ना गाड़ी को, ऐसे थोड़ी चढ़ेगी कोई, टू व्हीलर है वो, भारी थी अपनी गाड़ी तो। चलो भूख लग रही दोस्तों, पता नहीं तो, चलो जय माता दी, खाना खा के फिर मिलना तो नहीं हो पाएगा, तो ये ब्लॉग यहीं तक है। हाँ, अगर आगे तो कुछ होता है, नेबुलाइजर लाए, दवाई, हाँ, दवाई लाए, तेरे नींबू के चक्कर में हुआ है वो, तो बाजार में ऐसा क्या हो गया नींबू नहीं मिल रहा यार, क्यों अब क्या हुआ, पहले हुआ था, गर्मी थोड़ी ना है, ₹5 का एक नींबू भाई, उस चक्कर में तो भटका मैं और उस चक्कर में पता नहीं कहाँ गिर गई यार। चलो छोड़ो, तो वीडियो यहीं तक है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो यार, बहुत बेचारा मनोज मालवीय के लिए तो सब्सक्राइब करो, हैंडसम भी है थोड़ा सा, और लाइक करा करो दोस्तों, कमेंट करा करो प्लीज़, हमको पता कैसे चलेगा आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, और बस मिलते हैं कल, 15 अगस्त आने वाला है तो क्या है देखो तैयारी, मेरे पास तो कोई कुर्ता भी नहीं है 15 अगस्त का, फिर भी देखते हैं, चलो बाय, गुड नाइट, जय माता दी।